अग्नि प्राइम से जुड़ी कुछ बातों से नाराज हो गए हैं कई देश। क्यों जताई आखिर विश्व के कई देशों ने भारत से नाराज की? क्यों हुआ नया खुलासा अग्नि प्राइम को लेकर? अग्नि प्राइम की वो खूबियां जिन्हें जानने के बाद डर गए हैं कई देश। आज विश्व के पावरफुल देश कर रहे हैं भारत का विरोध। क्यों आज भारत बन गया है एक खतरनाक देश? अग्नि प्राइम के नए खुलासों के बाद अब विश्व में हो रही है भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात। एक के बाद एक नए वेरिएंट को निकालकर भारत ने रख दिया है अपने दुश्मनों की धड़कन पर कदम। आज बात करेंगे हम उस खौफ की जिससे कि आज विश्व के सभी देश डरने लगे हैं। आज भारत से विश्व के वह बड़े देश भी जल रहे हैं जो कि खुद को सुपर पावर देश बताते हैं। भारत की बढ़ती शक्तियों को देखकर भारत के कई नए दुश्मन बनने लगे हैं। भारत ने अपनी जिस बैलिस्टिक मिसाइल का 1989 में टेस्ट किया था, आज उसी मिसाइल के कई अलग अलग वेरिएंट भारत के पास मौजूद हैं। भारत ने अपनी जिस खतरनाक मिसाइल को आज बनाया है, वह अपनी तेज गति और अपनी मारक क्षमता की वजह से अन्य देशों में दहशत फैलाने का काम कर रही है। भारत के पास आज अपनी खुद की बनाई हुई अग्नि मिसाइल के कई अलग अलग और अपग्रेडेड वर्जन जैसे कि अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 भी मौजूद है। भारत ने आज सिर्फ अग्नि ही नहीं बनाई बल्कि और भी कई खतरनाक मिसाइलों को बनाकर अपने देश में ही खड़ा कर दिया है। आज भारत को मिसाइलों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कुछ समय से DRDO के सफल प्रयासों के बाद आज भारत दुनिया में एक खतरनाक मिसाइल डेवलपमेंट कंट्री के रूप में सामने आ रहा है। भारत ने पिछले साल अपनी अग्नि मिसाइल के जिस नए वेरिएंट को बनाया था, वह अग्नि 4 व अग्नि 5 से भी ज्यादा खतरनाक है। अग्नि 1 एक सिंगल स्टेज मिसाइल थी। अग्नि 1 का 1989 में परीक्षण किया गया था, फिर 2004 से इसे सेना में भी शामिल कर लिया गया। भारत की अग्नि 1 की रेंज 700 से 900 किलोमीटर के बीच है। अग्नि 1 की लंबाई 15 मीटर है और इसका वजन 12 टन है। इसके अलावा अगर बात करें अग्नि 2 की तो इसका व्यास 1 मीटर है और इसका वजन लगभग 18 टन तक है। इस खतरनाक मिसाइल को 9 अगस्त 2012 को सामरिक बल कमान द्वारा एक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। भारत ने 7 अप्रैल 2013 को ओडिशा में मिसाइल परीक्षण रेंज से अपनी परमाणु सक्षम अग्नि 2 सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का नवीनतम परीक्षण किया था। एक प्रशिक्षण अभ्यास के हिस्से के रूप में भद्रक जिले के अब्दुल कलाम द्वीप से सेना के जवानों द्वारा परीक्षण किया गया था। इसका प्रक्षेपण भार 17 टन है। अगले नंबर पर आती है अग्नि 3। अग्नि 3 दोनों चरणों में ठोस प्रणोदक का उपयोग करता है। यह भारतीय हथियार की घातकता को बढ़ाते हुए छोटे उपज वाले परमाणु वॉरहेड का उपयोग करने की अनुमति भी देता है। यह भारत को अन्य परमाणु शक्तियों की तुलना में कम विखंडनीय सामग्री का उपयोग करके अधिक बड़े परमाणु बल को तैनात करने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा जहां भारत की DRDO टीम द्वारा बनाई गई अग्नि 4 की अधिकतम रेंज को 4000 बताया गया है और वहीं अग्नि 5 की अधिकतम रेंज 5000 तक कही जा रही है, तो अब भारत ने इन सभी मिसाइलों को अलग रख के एक और अग्नि का वेरिएंट बना लिया है। अब भारत ने अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों को मिलाकर एक नया वेरिएंट तैयार किया है जिसे कि अग्नि प्राइम कहा जा रहा है। यह मिसाइल अगली पीढ़ी का खतरनाक व घातक हथियार कहा जा रहा है जिसका सफल परीक्षण भारत ने पिछले साल ही उड़ीसा के तट पर कर लिया था। अपने सफल परीक्षण के बाद इस मिसाइल में भारत ने MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल तकनीक का भी प्रयोग किया था। बता दें कि मिसाइल प्रक्षेपण के मुख्य प्रणोदन चरणों के बंद होने के बाद प्रत्येक MIRV अलग से लक्षित परमाणु वॉरहेड को अपने स्वतंत्र तरीकों से भेजने की अनुमति देता है। इस मिसाइल का वजन पहले की मिसाइलों के मुकाबले कम है और यही वजह है कि यह बेहद तेज गति से दुश्मन पर वार करने के लिए सक्षम है। भारत की यह अग्नि मिसाइल लगभग 1000 परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाकर दुश्मन पर हमला बोलने के लिए बेहतरीन मानी जा रही है। DRDO के अधिकारियों का कहना है कि अग्नि प्राइम 2 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। अग्नि प्राइम मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर आधारित है और इसे एडवांस रिंग लेजर गायरोस्कोप पर आधारित नेविगेशन सिस्टम के जरिए निर्देशित किया जा सकता है। डबल स्टेज वाले अग्नि प्राइम को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सड़क और मोबाइल लॉन्चर द्वारा भी फायर किया जा सकता है। DRDO की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि अग्नि वर्ग की मिसाइलों की इस नई पीढ़ी के उन्नत संस्करण में पैंतरेबाजी और सटीकता सहित
बेहतर मापदंडों की क्षमता है। यह मिसाइल सटीक निशाना लगाने में सक्षम है और यह अब तक की बाकी सभी मिसाइलों से ज्यादा घातक है, जो कि अपने दुश्मनों पर अग्नि के गोले की तरह बेहद तेजी से हमला कर सकती है। DRDO की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए आवश्यक समय को कम करने के साथ साथ भंडारण और संचालन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए प्राइम मिसाइलों को तैयार किया गया है। भारत की स्वदेशी अग्नि प्राइम के कुछ परीक्षण अभी भी बाकी हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और फिर भारत की सेना के पास एक और घातक मिसाइल आ जाएगी। भारत जैसे जैसे अपनी सेना के लिए नई व घातक मिसाइलों को बना रहा है, वैसे ही अब वह अपने पुराने स्टॉक को भी अपग्रेड कर रहा है और विदेशों में कई मिसाइलों को बेचने के लिए उनकी कतारें भी लगा रहा है। आज भारत से उसकी मिसाइलों को खरीदने के लिए कई देश इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत अपने देश में बनाई गई मिसाइलों को बेचे और बाकी देश उन्हें अपने देश में ले जा सके। इस समय भारत से फिलीपींस ने ब्रह्मोस को खरीद लिया है, जबकि वियतनाम अभी भी भारत से खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कतार में लगा हुआ है। तो वहीं अब मलेशिया व और भी कई देश ऐसे हैं जो कि भारत में बनने वाली मिसाइलों व अन्य हथियारों पर भरोसा जताते हैं और उन्हें अपने देश में शामिल भी करना चाहते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भी भारत के तेजस विमान को खरीदने का मन बना रहा है, जिसके लिए उसने भारत को RFI भी दी है, जो कि जल्द ही भारत से उसका तेजस विमान खरीद सकता है। आज भारत की बढ़ती मजबूती को देखकर बाकी देश जो कि राख हो रहे हैं और भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, उनकी मुख्य वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वह भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और फिर जिस तरीके से आज भारत अपने ही देश में एक के बाद एक भयानक मिसाइलों को लॉन्च करता जा रहा है, तो अब ऐसे में कई देशों को तो सिर्फ इस बात के बारे में ही सोचकर डर लग रहा है कि अब भारत विश्व से जो हथियार खरीदता था वह अब नहीं खरीदेगा और विदेशी बाजारों में बनने वाली मिसाइलों को अब भारत पूरी तरह से रिजेक्ट कर देगा। जब DRDO की टीम हिंदुस्तान में लगातार अपनी सेना को सुरक्षा देने के लिए मिसाइलों का निर्माण कर रही है, तो ऐसे में कई और देश भारत से हथियार खरीदेंगे। कई देशों की यह कोशिश है कि वह भारत में हो रहे विकास पर प्रतिबंध लगा सके, जिससे कि भारत कभी उठ ही ना पाए। पर आपको क्या लगता है कि आज भारत को उन जलते हुए लोगों की बातों को सुनकर उन देशों की बेवजह की बातों को सुनकर रुक जाना चाहिए या फिर अपने दुश्मनों का विरोध करने के लिए लगातार और भी कई खतरनाक मिसाइलों व हथियारों के ऊपर काम करना चाहिए? और फिर आज जिस हिसाब से भारत की DRDO टीम मेहनत कर रही है, उससे तो यह साफ देखा जा सकता है कि वह दिन बिल्कुल भी दूर नहीं जब अमेरिका और रशिया जैसे देश भारत में आकर यहाँ की तकनीक व हथियारों को अपने देश में लेकर जाएंगे। वैसे आप अपने देश का हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।